नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार प्रभाकर अपने इस यूट्यूब चैनल गुरु मैटी वाणी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों का प्रेम स्नेह जो मुझे बराबर मिल रहा है। मित्रों, आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के तहत पैरालिसिस, जिसको कि पक्षाघात हिंदी में कहते हैं, इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मित्रों, इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखेंगे, क्योंकि इसमें मैं कई चीज़ें बताऊंगा जो कि किताबों में वर्णन सामान्य तौर पर नहीं किया जाता है। तो मित्रों, मैं आज आपको सबसे पहले इसका डिफिनेशन बताता हूं कि स्नायुक विकृति के कारण मांसपेशियों में जो होने वाले खिंचाव होती है, जिसके कारण जो उनके क्रियाहीनता आती है, जिसको कि लकवा या अंगाघात कहते हैं, इसमें ये वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। लक्षण, स्थान, अवयव, दृष्टिकोण से इसको कई सारे नामों से पुकारे जाते हैं। जैसे कहीं पर इसको जब इसका सारे अंग में अगर लकवा मार जाता है, जिसको कि जनरल पैरालिसिस कहते हैं, अगर आधे अंग पे लकवा मारता है तो उसको हेमिपाल्जिया कहते हैं। उसी तरह से अगर कमर के नीचे के हिस्से में अगर अंगाघात हो तो उसको पैरापैल्जिया कहते हैं। और सारे एक होता है जिसमें कि आपके हाथ और पैर ऊपर और नीचे दोनों तरफ के जो पक्षाघात होते हैं, जिसमें ये प्रभावित होते हैं, उसको क्वाड्रिपाल्जिया कहते हैं। और जो चेहरे पे जो पक्षाघात होता है, जिसमें चेहरा टेढ़ा हो जाता है, कई लोगों को आपने देखा होगा, तो उसे जो है हम फेशियल पैरालिसिस के रूप में जानते हैं। और जब दोनों तरफ जब होता है पक्षाघात, उसको हम डिपैल्जिया के नाम से जानते हैं। मित्रों, सुनबहरी या कोई कठिन ऐसी बीमारी जिसमें कि एनेस्थेटिक शरीर हो या फिर डिजेनरेशन हुआ हो किसी घाव वगैरह के होने से, ट्यूमर होने से, उसके कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है। सामान्य तौर पर 40 से 60 वर्ष के आयु में लोगों में ये होता है। और हाइपरटेंशन, ब्रेन हैमरेज या ब्लड शुगर के कारण भी ये पैरालिसिस का अटैक हो सकता है। बच्चों में जो होता है उसको इन्फेंटाइल पैरालिसिस के रूप में जानते हैं कभी कभी। हालांकि इसमें थोड़ा सा एक चीज़ अलग है कि पोलियोमायलाइटिस जैसे बच्चों के रूप बच्चों में होता है, और पोलियोमायलाइटिस में क्या होता है कि जो बोन होता है वो टेढ़ा कभी कभी हो जाता है, लेकिन इसमें अंग जो है सो एक तरफ का सूखने लगता है, उसमें जीविकता नहीं होती है, उसमें जो एक कह सकते हैं कि जो एक सामान्य पैर की जो स्थिति होती है दोनों पैरों की, वो समानता नहीं रहती है। तो मित्रों, ये था पैरालिसिस का मुख्य कारण। इसके अलावा एपिलेप्सी से भी जो है सो ये रोग हो सकता है। अब मित्रों, हम आपको बात करेंगे कि ये चूँकि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि हेमोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट कहाँ डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा हमारे कई विद्वान इसमें इंजाइम्स की भी चर्चा करते हैं, तो जो लोग इंजाइम्स के थ्योरी से फॉलोअर्स हैं उनको भी मैं बताऊँगा कि इंजाइम इसमें कहाँ कहाँ डिस्टर्ब करता है। मित्रों, मसल स्पेसिफिक आइसोजाइम ऑफ क्रिएटिन किनेज, लैक्टोज और डिहाइड्रोजेनेस, जिसको LDH के लैक्टेट डिहाइड्रोजेनेस जिसको LDH के नाम से जानते हैं, और ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, ये जो चार प्रकार के इंजाइम्स जो मसल्स के एक्लेमेशन को जो है, यानी कि उसके अंदर का जो खिंचाव होता है उसको वो ठीक ठाक रखते हैं, जिसमें से कुछ का प्रभाव हमारे मस्तिष्क से होता है और कुछ का प्रभाव हमारे हृदय से होता है, कुछ का प्रभाव हमारे किडनी से होता है। इसी तरह से मसल्स एसिटाइल क्लोनिनेटिस, जिसको SEHC के नाम से जानते हैं, जो उपरोक्त इंजाइम जो अभी मैंने आपको बताया, मसल्स स्पेसिफिक आइसोजाइम्स और लैक्टेट डिहाइड्रोजेनेसिस और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के साथ जो है सो ये पैरालिसिस के साथ जो है सो इनका सेक्रेशन जो है सो वो रिड्यूस हो जाता है, जो मतलब कि
ये पैरालिसिस की स्थिति में इनका सेक्रेशन रिड्यूस हो जाता है। इसी प्रकार से हाइपोकलेमिया में प्लाज्मा पोटेशियम जो कि 2.5 mmol ऑब्लिक पर लीटर से कम हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट, ये जो है हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है बॉडी में, और जो मैंने आपको बताया इंजाइम्स के बारे में, तो इंजाइम के बारे में मैंने ऊपर में आपको बताया, इससे से इलेक्ट्रोलाइट में जैसे प्लाज्मा पोटेशियम हमारे शरीर में कम हो जाता है इस बीमारी के होने में। हाइपोक्लेमियम के जिसको कि हाइपोक्लेमिया जिसको पीरियोडिक पैरालिसिस भी कहते हैं, जो कुछ देर के लिए होता है और पैरालिसिस करके बार बार अटैक भी करता है। मित्रों, इसके पैथोलॉजिकल टेस्ट में हम ब्लड में हीमोग्लोबिन, टीसीडीसी, ब्लड शुगर, एमआरआई, सीटी स्कैन और एंजियोग्राफी और एक्सरे का सहारा लेकर के इस रोग का जो है हम निदान करने में अपना ये निदान करके और इस रोग की चिकित्सा में हम आगे बढ़ते हैं। अब मित्रों आते हैं कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किस दवा का प्रयोग करें कि ये शीघ्रातिशीघ्र ठीक हो जाए। एक्यूट की स्थिति में हम इसमें S1 और RE का प्रयोग करते हैं। इसका कंपोजिशन के रूप में डॉक्टर एन एस सिन्हा की किताब में इंजेक्शन नंबर 14 का भी जिक्र किया गया है। हालांकि उसको हम चूँकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इंजेक्शन का प्रयोग निषेध है, तो उस लेकिन उस कंपोजिशन को हम ओरल के रूप में हम दे सकते हैं और इससे बहुत शीघ्र सफलता मिलती है। इसका जितना पॉजिटिव डोज दिया जाएगा उतना ही ज़्यादा ये कारगर सिद्ध होगा। मित्रों, यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँ, जो पैरालिसिस है ये पूर्णतः निगेटिव रोग है, यानी कि शरीर की जो कार्य स्थिति जो थी उसमें जैसे इंजाइम का सेक्रेशन कम हो गया, पोटासियम आपका कम हो गया। इसी तरह से अगर आपके पास में जो रोगी को अगर पहले से किडनी की समस्या है, ये मधुमेह की समस्या है, यानी कि जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, तो उस स्थिति में इसके ऑटो इम्यून होने की भी स्थिति काफ़ी बढ़ जाती है। तो अगर किसी और भी डिजीज़ के होने के बाद अगर ये डिजीज़ होता है, पैरालिसिस का अटैक होता है मित्रों, तो जान बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। इस स्थिति में चूँकि मधुमेह भी निगेटिव है, किडनी की बीमारी भी निगेटिव डिजीज़ है, तो उस और पैरालिसिस में यानी कि निगेटिव यानी काफ़ी सारे निगेटिव स्थिति बन जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि हाइपरटेंशन जो है वो पॉजिटिव है, और ये हाइपरटेंशन होने के बाद ही जनरली ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है कि किसी को ब्रेन हैमरेज होने के बाद पैरालिसिस हो गया, किसी को क्या कहते हैं अचानक से जो है सो ब्लड प्रेशर हाई हुआ और पैरालिसिस हो गया, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम था, कॉर्नरी प्रॉब्लम था, उसके कारण जो है सो पैरालिसिस हुआ। तो स्थितियाँ कई बनती, कारण इसके कई सारे हैं, तो उन कारणों का भी हमको ध्यान रखना होगा। लेकिन मैं यहाँ पर हाइपरटेंशन का कि हाइपरटेंशन में जो है सो हाइपरटेंशन जब हाई होता है ब्लड प्रेशर, तो ये जिसके होने की संभावना बढ़ जाती है। खास करके अगर डिस्टोलिक आपका हाई हो जाए, यानी कि एक सिस्टोलिक होता है और एक डिस्टोलिक होता है, नीचे का दर एक ऊपर का दर, तो नीचे का दर अगर आपका हाई रहता है तो उस स्थिति में पैरालिसिस की होने की स्थिति काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। क्योंकि इसमें कभी कभी क्या होता है कि हार्ट में बंडल ब्लॉक का भी समस्या, जो कभी या तो बाई बर्थ हो तब तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बाई बर्थ नहीं हो बंडल ब्लॉकेज की, तो ऐसी स्थिति में पैरालिसिस की समस्या अगर हाइपरटेंशन के कारण अगर हो तो हाइपरटेंशन के दौरान बढ़ जाती है। तो मित्रों, ये थी हाइपरटेंशन के कारण क्या क्यों होता है, हाइपरटेंशन हमारे पास कैसे आता है। मैंने आपको बीच में थोड़ा सा इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन से इंट्रोड्यूस किया कि RE और S1 का प्रयोग कर सकते हैं एक्यूट स्थिति में। इसके अलावा S1, S5, F1, C4 और Berbum, इसका प्रयोग करने से जहाँ पर आप इसके S1 और S5 का प्रयोग इसलिए कि जहाँ पर आपको अगर ब्रेन से स्थिति या हार्ट से स्थिति अगर आपको असामान्य लगती है, ब्लड प्रेशर के कारण अगर हुआ है, तो वहाँ पर आप S1 का प्रयोग करें, और अगर किसी अन्य कारणों से अगर
न्यूरालजिक प्रॉब्लम के कारण अगर ये प्रॉब्लम स्थितियाँ बनती है तो वहाँ पर आपको इस टाइप का प्रयोग करना है। उसके बाद C5 और C4, इन दोनों में से किसका चयन करें। अगर बोन में अगर कैल्सिफिकेशन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, न्यूरालजिक पेन हो रहा है, तो C5 का प्रयोग करना है। और कैल्सिफिकेशन अगर हो रहा है यानी कि कैल्शियम की कमी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस या कोई अन्य प्रकार के रोग अगर हैं, तो वहाँ पर आपको C5 का प्रयोग करना है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो इसमें आपको A1 का निगेटिव और A3 का पॉजिटिव यूज़ करना है। इसके अलावा भरवन का भी हम इसमें प्रयोग करते हैं। भरवन का क्यों प्रयोग करेंगे, क्योंकि डायबिटीज़ होने में, क्योंकि शुगर का लेवल सामान्य रूप से थोड़ा सा हाई होता है। अगर किसी को पहले से शुगर है तब तो उनका शुगर हाई है ही, और अगर किसी को शुगर नहीं है और इस स्थिति में अगर पैरालिसिस हुआ तो शुगर का लेवल स्लाइट बढ़ा हुआ होता है, जिसके कारण बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर सेचुरेशन नहीं होने से बॉडी में शुगर नहीं होने की बात कर रहा हूँ। जिस पेशेंट को मधुमेह नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ ना, आप ऐसा नहीं समझ लीजिए कि जनरल कॉमन बात कर रहा हूँ। तो जो मधुमेह की स्थिति है, मधुमेह की स्थिति जहाँ पर नहीं है वहाँ पर शुगर का लेवल स्लाइट हाई होता है, इसी उसके कारण कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर सेचुरेशन नहीं होता है, नतीजा कि बॉडी में जो कॉन्स्टिपेशन की जो स्थिति है वह बन जाती है, चूँकि शुगर की मात्रा अधिक होती है। इसलिए यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन को हमको तोड़ना है, इंटेस्टाइन का फंक्शन हमको रेगुलेट करना है, ताकि उसका जो एस्क्रेटरी सिस्टम से बॉडी में कंस्टिपेशन कम से कम नहीं बने। तो उस स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर भरवन का प्रयोग हमको नितांत रूप से आवश्यक है, क्योंकि भरवन इम्यूनाइजर भी है, आपका इंटेस्टाइन पर भी काम करता है, इसके अलावा एंटीबायोटिक भी है, और साथ साथ जो है वह आपका लैक्सेटिव मेडिसिन भी है जो इंटेस्टाइन को काम करती है। तो मित्र, इस तरह से हमको इसका प्रयोग करना है। अब हमने हमको कहा कि पोटासियम की स्थिति को वो फुलफिल करता है, तो मित्रों आरी के द्वारा हम WE से जहाँ सोडियम का हम कमांड करते हैं उसी से आरी का कमांड पोटासियम के द्वारा करते हैं। तो मित्रों ये थे हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट। तो मित्रों पैरालिसिस के लिए आज के लिए इतना ही। मित्रों हमारा आपका ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएंगे। मेरा अगला जो वीडियो आएगा मित्रों, अभी चूँकि मैं नर्वस पेन डिजीज़ के ऊपर अभी मैं लेकर के चल रहा हूँ, मेरा बहुत हार्दिक इच्छा थी कि मैं आपको डिप्रेशन पे मैं चर्चा करूँ, क्योंकि एक अभी एक जो फिल्म इंडस्ट्री में जो एक व्यक्ति सुसाइड कर लिए थे, जिसके कारण वो काफ़ी उसका हंगामा हुआ, तो उस पर लोगों ने कहा, कई हमारे मित्र जो है सो डिप्रेशन पर अपना वीडियो दिए। मैं भी चाह रहा था कि मैं आपसे डिप्रेशन पर चर्चा, अगर आपको की इच्छा होगी तो मैं इस डिप्रेशन पर आपको अपना वीडियो अवश्य दूंगा ऑन स्पेशल डिमांड। और अगर आप वीडियो अगर आप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपना कमेंट्स बॉक्स में जाके अपना कमेंट्स ज़रूर लिखें हमारा वीडियो कैसा लगा। मित्रों आप अगर हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि आपको मेरा वीडियो पहले आपको मिले। मित्रों जो वीडियो हमारा आज विलम्ब से आया इसके लिए मैं आपसे घोर क्षमा प्रार्थी हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें, क्योंकि मेरे पास कई सारे काम रहते हैं। कुछ लोगों का ये बात होती है कि मैं कहीं 40,000 रुपया किसी ने दे दिया और उनका दवा जो है उन्होंने नहीं भेजा, किसी ने 20,000 कहीं 20,000 दे दिया उनका दवा किसी ने नहीं भेजा। मित्रों इस तरह की शिकायत के साथ हमारे पास में फ़ोन आते हैं, आपकी स्थिति क्या है। मित्रों मेरे पास में लॉकडाउन के वजह से गाड़ियां नहीं चल रही हैं, अभी 2 दिन पहले की बात है कि मैंने दिल्ली के लिए जो है सो बुक किया था और उन्होंने कहा कि दिल्ली का कंसाइनमेंट कल से बंद हो रहा है, अभी चूँकि वहाँ पर कोविड की स्थिति बहुत नाजुक है। और दवा जो है सो कल बुक करने के बाद वो NSH में गया RMS से, और वहाँ से फिर वापस RMS जहाँ से हमने बुक किया वहाँ पर आकर के बैठ करके पड़ा हुआ है। तो मित्रों इस कारण से लेट होता है, लेकिन मेरे पास किसी की दवा ठहरती नहीं है। मैं यहाँ खुद पता कर लेता हूँ कि गाड़ी कहाँ की जा रही है और उस हिसाब से मैं अपना माल उनको दे देता हूँ, ताकि उस जगह पर आपके पास में माल किना बिना किसी विघ्न बाधा के जो है सो आप तक पहुँच जाए। और अभी तक मित्रों मेरे पास में आज का रिपोर्ट है चेन्नई में भी माल पहुँच गया, जो आज के करीब 1 हफ्ता पहले भेजा था,
दिल्ली में एक डॉक्टर को भेजा था, उनका कंसाइनमेंट के 10 से 15 दिन में पहुंच गया। गुजरात भेजा था, उनका भी 10 से 15 दिन। एक दुर्ग भेजा था जिनका कंसाइनमेंट करके 45 दिन बाद पहुंचा, लेकिन उनका सबसे भी देखिए कि जहां माल रुक जाता है उस पर कई सारे दूसरों के भी आइटम्स जैसे उसमें ढेर लग जाए। तो मैं पार्सल से भेजा था, जो कि पहली बार अरे पोस्टल डिपार्टमेंट का यूज़ किया था, तो पार्सल से भेजा था तो उनका सामान ब्रेक हो गया था, लेकिन एक भी बॉटल टूटा नहीं था, सिर्फ बक्सा ब्रेक हुआ था और उनके पास में दवा सुरक्षित पहुंच गई। तो मित्रों, इससे मैं स्पीड पोस्ट से मेरा ज़्यादा खर्च होता है, और वो अगर 5,000 से नीचे का अगर आपका सामान है तो मैं उस आपसे डाक खर्च भले ले लूँ, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो लेकिन अगर 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 का अगर आपका कंसाइनमेंट है तो मैं उसको स्पीड पोस्ट के द्वारा आपका पार्सल में भेजता हूँ, ताकि आपका सामान स्पीड पोस्ट के कारण समय से पहले, मतलब कि 72 घंटे में तो नहीं, लेकिन कम से कम 15 से 15 दिन में आप तक मेरा माल पहुँच जाए। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।